जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। आज शहीद आजम चंद्रशेखर का जो बलिदान दिवस है वो इंद्री की ब्राह्मण धर्मशाला में मनाया जा रहा है। शहीदों को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं आज जो चंद्रशेखर जो शहीद रहे हैं, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है देश को आज़ाद कराने में, उसी के बलिदान दिवस पर आज इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला में आप दे सकते हैं समय जो यहाँ पर हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आप दे सकते हैं। समय हवन यज्ञ कर उन शहीदों को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से दे सकते हैं। इस समय इंद्री हलके के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उन शहीदों को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, जिसके चलते आप दे सकते हैं समय यहाँ पर भारत नव निर्माण सेना के जो इस समय अध्यक्ष हैं धर्मपाल शांडिल्य जी, वो अपने साथियों के साथ और तमाम इंद्री हलके के लोग उन शहीदों को याद करते नज़र आ रहे हैं, जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। उसी के चलते ये खबर आपको इस समय दिखाया जा रहा है। महज 24 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद, और आज उन्हीं का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उसी के चलते ये खबर आप इस समय इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से देख सकते हैं। इब हवन यज्ञ कर उन शहीदों को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। श्री नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, श्री यज्ञपुरुषाय नमो नमः। से हारे
आज इंद्री में आप देख सकते हैं ब्राह्मण धर्मशाला में आज शहीद आजम चंद्रशेखर का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय जो यहाँ पर इस बलिदान दिवस में श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुँचे हैं, वो इस समय शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर आप लोगों को देख सकते हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से दिखाई जा रही है। लोगों को देख सकते हैं उन शहीदों को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, जिसके चलते आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आज इंद्री में ब्राह्मण धर्मशाला में समय चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया गया। हमारे साथ भारत नव निर्माण सेना के समय अध्यक्ष धर्मपाल शांडिल्य जी जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम? ये हर वर्ष की बात है, भारतीय नव निर्माण सेना इसको शहीद दिवस और जन्मदिन को मनाती है, उसी कड़ी में 2000 से ये चल रहे हैं। और इंद्री हल्के की जनता सब पार्टियों से ऊपर उठकर, सब जातियों से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर सभी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सभी इसको मनाते हैं। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित है और कितने वर्षों से? 2000 से मनाया है, 25वां है, 25 साल हो गए हैं इसको। क्या सीख मिलती है इन कार्यक्रमों से? इन कार्यक्रमों से जैसे हल्के के अंदर भाईचारा कायम रहे और शहीदों के प्रति, देश के प्रति एक भावना जागृत हो, कन्या भ्रूण हत्या और गौ हत्या के प्रति भी हम संकल्प देते हैं, वो सारा मिलके चलते हैं। युवाओं से क्या अपील करेंगे जिस तरीके से? यही करते हैं कि युवा पूरे उसमें देश हित में वोट करें, देश हित में आगे बढ़े और शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दें, पुष्पांजलि। इस समय चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, हमारे साथ भाजपा के नेता हैं अमित खेड़ा, वो जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मैं एक बात छोटी सी कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। एक इतनी उन्नत पहल कि हर शहीद के बारे में, चाहे वो हमारे उधम सिंह जी है, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी है, चाहे वो भगत सिंह जी है, अशफाक उल्लाह, उन सभी जो हमारे देशभक्त हुए हैं, सब उन्होंने देश के लिए अपना जो बलिदान दिया है और बलिदान देकर देश को एक नया सूरज दिखाया था, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भारत नव निर्माण सेना, जो जिसके अध्यक्ष हमारे धर्मपाल शांडिल्य जी है, जो भाजपा के बड़े वरिष्ठ हमारे नेता भी है, उन्होंने एक इतनी अच्छी पहल यहाँ पे चलाई है इंद्री विधानसभा के अंदर। मैं यही कहूँगा कि ये पहल जन जन तक, गांव गांव तक, घर घर तक पहुँचे, ताकि जो बच्चे आगे नए नए जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, जो कि अभी केवल और केवल मोबाइल में खोई हुई है, वो इससे उभर कर वो कम से कम अपने मोबाइल पे चंद्रशेखर आज़ाद को सर्च करे, उनकी जो उन्होंने बलिदान दिया उसको सर्च करे, उन्होंने देश के लिए बलिदान क्यों किया है, इस तरह की बातें सर्च करे और उनकी चलाई हुई जो रीति नीति है उस पर चल कर देश को कैसे आगे बढ़ाए। मैं यही कहूँगा कि ये सब लोगों को, सभी भारतीयों को, सभी देश वालों को एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर बलिदान दिया और हमें एक सूरज की नई किरण दिखाई है स्वतंत्रता रूपी, उसी मार्ग पर चलकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद। मैं जो आज इंद्री में शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, हमारे साथ सुशील शर्मा जी उप प्रधान है इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला के, क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम को लेकर के? आज ये जो बहुत बड़े गौरव का दिन है, जो आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जो है ना बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, हमारे धर्मपाल शांडिल्य जी पिछले 20 वर्षों से निरंतर जो है ना उनका जन्मदिन दिवस और बलिदान दिवस मनाते हैं, ये हमारे लिए सब के लिए गौरव की बात है। देखिए जो है ना इन बलिदान शहीदों के बलिदानों से ये आज हम स्वतंत्र सांस ले रहे हैं, इस खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं, हम इनका उपकार का भी नहीं बुला सकते। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, पिछले 20 वर्ष निरंतर इंद्री में एक कार्यक्रम धर्मपाल शांडिल्य जी के नेतृत्व में हो रहा है और ये निरंतर सभी जगह होने चाहिए, सभी उनको शहीदों का सम्मान मिलना चाहिए। क्या सीख मिलती है ऐसे कार्यक्रमों से? इनसे सीख देशभक्ति की भावना की सीख मिलती है, हर बच्चों के अंदर जो है ना देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है और हमें गर्व है उनके बलिदान पे। बिल्कुल गर्व है बलिदान पे और होना भी चाहिए, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? बस जो आप हमारे प्रधान जी सुशील कुमार जी है ना, जो इन्होंने कहा, इसलिए इस धर्मशाला के अंदर प्रधान जी हैं और बड़े अच्छे ये कार्यक्रम होना चाहिए। हाँ जी, आपने देखा किस तरीके से आज इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला में
शहीद आजम चंद्रशेखर का बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें इंद्री हल्के नहीं बाहर से भी यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस बलिदान दिवस में अपनी आहुति देते नजर आ रहे। जिस तरीके से उन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उसी के चलते खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से आपको लाइव तस्वीरें समय जनता खबर दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से पंकज कुमार।